लोकतंत्र में सत्ता तो वोटों के दम पर मिली, सीटों के आधार पर हासिल होती है, लेकिन लोकतंत्र संविधान की मूल भावना के आधार पर चलता है। जनता की भावनाएं भड़काकर लोकतंत्र को चोटिल किया जाता है और डेमोक्रेसी के प्रति आम आदमी की भावना को कमजोर भी। लेकिन आज उन भावनाओं को समझना जरूरी है जो देश की संसद से आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज की दस्तक में आपका स्वागत है। भावनाओं की दस्तक से जुड़ी खबरों में सबसे पहले आज बात करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा से विदा लेते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की भावनाएं आंखों से बह निकली। इसके बाद दस्तक में बात होगी मुसलमानों को भारत में डरा हुआ बताने वालों को मुस्लिमों की असली भावना गुलाम नबी आजाद ने आज कैसे समझाई, और पूछेंगे कि जो भावना संसद में पक्ष विपक्ष की एक दूसरे के प्रति दिखती है वो चुनावी रैलियों के दौरान क्यों और कैसे गायब हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज की दस्तक। लोकतंत्र को नापने का कोई पैमाना नहीं होता, फिर भी दुनिया की कई एजेंसियां लोकतंत्र को आंकती हैं, रेटिंग देती हैं। आज उन्हें भारतीय लोकतंत्र की कहानी देखनी चाहिए। हमारे देश में बहुत से लोगों का यह मत हो सकता है कि जो संसद में बैठे हैं, जो थोड़ा कठोर होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नेता भावना विहीन होते हैं, लेकिन आज संसद में भावनाएं दिखी। प्रधानमंत्री भावुक हुए, विपक्ष के नेता इमोशनल हुए। ये भावनाएं अच्छी हैं, क्यों और कैसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए संसद के भीतर लोकतांत्रिक मर्यादाओं की वो भावना जिसे संसद के अंदर से चारों तरफ फैलना जरूरी है। भावनाएं आंखों का किनारा तोड़ बह जाएं और आंसू प्रधानमंत्री को पोंछना पड़े। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं। कश्मीर के हालात, भावनाएं विपक्ष के नेता की थी, पूरे सदन के सामने नयनों में रुक ना पाए। नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। भावनाओं का ज्वार ऐसा, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को सैल्यूट करे। भावनाओं का सम्मान ऐसा कि हाथ प्रधानमंत्री के सामने धुर विरोधी विपक्ष के जुड़ जाएं। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हुआ। गुजरात के यात्री और टेररिस्टों ने हमला कर दिया और प्रधानमंत्री तब किस्सा सुनाने लगते हैं। 31 मई 2006 को डल झील के पास गुजरात के सैलानियों की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर की कमान गुलाम नबी आजाद तब संभाल रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उस दिन को प्रधानमंत्री ने याद किया तो संसदीय लोकतंत्र में भावनाओं को समझना जरूरी हो गया। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। प्रधानमंत्री रुकते हैं अगले 7 सेकंड, फिर 3 शब्द बोलते हैं और वो फोन, बस ये बोलकर अगले 9 सेकंड फिर खामोशी, आवाज लरजने लगती है। सिर्फ सूचना देने का नहीं था। संसद खामोश, प्रधानमंत्री भावों को बांधने की कोशिश करते, फिर कोशिश की बोलने की, 22 सेकंड भावुकता के भीतर सिमट गए। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे। दोबारा गुलाम नबी का जिक्र आते ही प्रधानमंत्री के खुले हाथ जुड़ जाते हैं, होंठ फिर लरजने लगते हैं, गला रूंधने लगता है, चेहरा ऊपर करते हैं, रूंधे हुए गले ने शब्दों को बाहर आने से रोका, भावनाएं समेटने के लिए कागज हटाते दिखे, हिम्मत करके बोले। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने
परिवार के सदस्य की चिंता करें। वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना राज्यसभा में ऐसे पल देश दुनिया ने बहुत कम देखे, क्या कहें, शायद कभी नहीं देखे। विपक्ष से मतभेद देखा, मनभेद कभी न होने की गवाही भी राज्यसभा ने देखी, लेकिन एक प्रधानमंत्री का विपक्ष के नेता के लिए ऐसी भावुकता शायद पहली बार। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। इतना बोलकर पीएम को सामने मेज का सहारा लेना पड़ता है, आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। भावुक होते, आंसू पोंछते, सैल्यूट करते, रूंधे गले के साथ प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को याद किया। जख्मी भाई तो संसद में भावुकता के आधार बनी 2006 की घटना को मुख्यमंत्री रहने के दौरान क्या देखा था, गुलाम नबी आजाद ने भी याद करके ही बताया। वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया, मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। तो क्या सिर्फ अंत भला तो सब भला का सिर्फ एक हिस्सा इसे मान लें, या फिर ये कहेंगे कि विदाई में तो सब अच्छा ही बोलते हैं, या फिर माने की जरूरत है संसदीय लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति मर्यादाओं का सम्मान बढ़े, आह्वान बढ़े। व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। देश में सब बहुत जरूरी होता है, ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा, आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। संसद में विदाई तो गुलाम नबी आजाद की हो रही थी, लेकिन क्या ये लोकतंत्र में भावनाओं के सम्मान के पूर्ण आगमन का दिन नहीं बन सकता, यही सवाल है आज की दस्तक का। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी की भावुकता में लोकतंत्र की ताकत को समझना है तो जान लीजिए, जिस घटना को लेकर पीएम भावुक हुए तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र और राज्यों के समन्वय का किस्सा सुनाते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए और तब यह कहना पड़ता है कि इन भावनाओं को समझने की जरूरत है, क्योंकि संसद में जो भावनाएं पक्ष और विपक्ष की दिखती है, केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच क्यों नहीं है? क्यों केंद्र की जनहित की योजनाओं पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारें राजनीति का मौका नहीं चूकती? क्यों केंद्र की आयुष्मान योजना दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा में जनता तक नहीं पहुंच पाती है? क्या पीएम किसान सम्मान निधि पश्चिम बंगाल के किसान इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का केंद्र सरकार से कोई नीतिगत या वैचारिक विरोध है? राज्यपाल की नियुक्ति से लेकर किसी मामले की सीबीआई जांच तक में केंद्र और राज्यों के बीच लोकतंत्र की भावनाओं पर राजनीति भारी पड़ जाती है। इसीलिए आज आपको दस्तक देकर कहना है कि भावनाएं संसद के बाहर भी पक्ष और विपक्ष मिलकर दिखा।
और अब आगे दस्तक मुस्लिमों की आजाद भावनाओं को समझाने वाली। पिछले हफ्ते ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की तरफ से जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में लोकतंत्र के पैमाने पर भारत 2 पायदान नीचे खिसका बताया गया। इसकी एक वजह देश के ही मुस्लिम नागरिकों में भय की बात करने वाली राजनीतिक रूप से प्रदूषित विचारधारा भी हो सकती है। ऐसी सोच वालों को मुल्क में मुस्लिमों के हर नागरिक की तरह आजाद होने की आजाद भावना भी समझनी होगी, जो आज संसद से ही सामने आई। जब मध्य प्रदेश के इंदौर में दावा हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने कुरान की कसम दिलाकर मुस्लिमों को नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को ही वोट देने को कहा, तब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से आने वाले कांग्रेस के ही मुस्लिम सांसद गुलाम नबी आजाद को सुनना जरूरी हो जाता है। मैं कभी इधर से निकला इधर डूबा, इधर डूबा उधर निकला, उधर डूबा इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा। आजाद को सुनना जरूरी क्यों, इसके कुछ उदाहरण पहले जान लीजिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विचार कुछ दिनों पहले यूं सामने आए, जब हामिद अंसारी कहते हैं कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना है, सेक्युलरिज्म अब सरकार के शब्दकोश में नहीं है, तो पिछले साल 101 पूर्व नौकरशाहों ने राज्यों की मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर गुस्सा जताते हुए कहा था कि देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसी सोच पर एक दस्तक राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद देते हैं। खुशकिस्मत है, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। 17 करोड़ और 20 लाख मुस्लिम नागरिक भारत में हैं। भारत में इतने मुस्लिम नागरिक हैं जितनी ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमा आबादी है। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों की तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी भारत में रहती है। उन्हीं भारतीय मुस्लिमों को लेकर पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने नागरिकता के कानून को भारत के मुस्लिम समुदाय को लेकर पक्षपाती तक बता दिया था, जिसके सहारे देश में कई लोगों ने हिंदुत्व का हवा खड़ा कर तुष्टिकरण की राजनीति को धार दी। लेकिन उन्हें जवाब संसद से गुलाम नबी आजाद देते हैं। अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। देश के मुस्लिम नागरिकों को भ्रम के माहौल से निकालने वाली ये आजाद भावना क्या सभी राजनेता समझेंगे? और मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि हर बात पर पाकिस्तान चले जाओ की बात कहने वाले नेता भी क्या आजाद भावनाओं का ख्याल रखेंगे? मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। अब अगर मुस्लिम नागरिकों को लेकर आजाद की पूरी भावनाओं का संसद से लेकर हर चुनाव तक पूरा सम्मान किया जाए, तो दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहा जाने वाला देश किसी डेमोक्रेसी इंडेक्स में कमियों वाले लोकतंत्र के नाम पर तो नहीं गिना जाएगा। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और राज्यसभा के बाद अब आपको जरा लोकसभा ले चलते हैं। राज्यसभा में 3 दिन लगातार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 25 दलों के 50 नेताओं के बोलने के बाद कल प्रधानमंत्री ने 75 मिनट अपनी बात रखी थी, लेकिन लोकसभा कल दोपहर तक हंगामे के कारण चलना मुश्किल हो रही थी।
कल यानी सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में हाथ जोड़कर विपक्षी दलों के सांसदों से कहा कि लोकतंत्र की परंपराओं को कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा की परंपरा को मत तोड़िए। तब जाकर सोमवार को आधी रात तक सदन चला। इस बात को आपको बताने के पीछे मकसद यह है कि संसदीय लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तभी सदन चलेगा, तभी देश स्वस्थ मन से चलेगा। ये दो तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। राज्यसभा में भावनाओं का लोकतंत्र और लोकसभा में सदन के लिए लोकतंत्र की दुहाई देकर हाथ जोड़ने वाली भावना। लेकिन सवाल यह है कि जो एक दूसरे को सम्मान देने की भावनाएं आज संसद के भीतर दिखी, वही संवेदनाएं चुनाव आने पर राजनीतिक दलों के बीच खत्म क्यों हो जाती है? नड्डा जी তিনি কয়েকদিন আগে গাড্ডাতে পড়েছিলেন। तो जो भावनाएं संसद में दिखती हैं, वही भावनाएं पक्ष और विपक्ष की चुनाव में आकर बदल क्यों जाती है? पश्चिम बंगाल की चुनावी रण की एक कहानी दिखाएं, उससे पहले वापस लोकसभा चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल की एक दूसरी कुर्सी वाली झूठ सच की लड़ाई हुई। हुआ यूं कि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि अमित शाह शांति निकेतन के दौरे पर गुरु टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे। अमित शाह ने लोकसभा में अधीर रंजन के दावे को झूठा बताया। मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है, जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का वीडियोग्राफी का एनालिसिस करके बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। गृहमंत्री अमित शाह ने तस्वीरें सदन में दिखाई कि जिस कुर्सी पर वो बैठे उसी पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी भी बैठे थे, लेकिन इसके बाद एक नया आरोप कांग्रेस पर लगाया। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है। यही राजनीति जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो चुनावी रैलियों में भाषा और आरोपों की मर्यादा कुर्सी पाने के लिए ही कमजोर होती जा रही है। তিনি কয়েকদিন আগে গাড্ডাতে পড়েছিলেন, জানেন তো সেই গাড্ডাতে ডায়মন্ডের বারে পড়েছিলেন, তারপরে সে কি চেঁচামেচি। बंगाल की राजनीति में छोटे नेता अगर दोनों दलों की तरफ से छिछले बयान बोलकर वोट बटोरना चाहते हैं तो बड़े नेता इन्हें रोकते भी नहीं हैं। ममता जी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई हैं और उनकी उनके पाँव के नीचे से धरती खिसक चुकी है, इसलिए वो क्या आरोप लगा रही हैं, क्या बोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन को बताता है। रिसर्च बताती है कि भड़काने वाले बयानों से जीतने की गारंटी 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब मुद्दे नहीं भावनाओं के आधार पर वोटिंग होती है, लेकिन नुकसान आम जनता उठाती है। पोलोमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, बर्धवान आज तक। और दस्तक में वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कामयाबी से कितना दूर है उत्तराखंड का रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां शराब माफिया ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया है। आपको बता दें कि इस हमले में एक दारोगा बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और एक सिपाही की शराब माफिया ने हत्या कर दी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज की ये वारदात। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी हमले के बाद की, घायल पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वारदात कितनी जघन्य रही है। क्या कल सुबह तक जिंदगियों को बचाने की नई किरण दिखेगी?
पूरी खबर दस्तक के अगले हिस्से में होगी, आप बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।